जिस इंसान को भी मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता था उसके साथ मिलते साथ ही मैं ये इजहार कर देता था कि यार प्यार होगा तो शादी होगी। अब मकसद तो ये कि एक तो मैंने खुद बहुत अब्जॉर्ब की है और मुझे दिलचस्पी है इन मौजूदात पे, तो मैं खुद जाके देखता रहता हूँ क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ ना मेरे दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में क्या मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में, और ज़्यादातर वो आपको इल्म से ही जवाब मिल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेलो मीरा सेठी, और अगर आपको शो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उनको उनकी स्किट्स और लतीफों से जानते हैं। ही इज ऑल्सो द अमानुल्लाह टू माय ज़ुबैदा। आइए बात करते हैं मूरू से। हेलो मूरू। हेलो मीरा जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपको जब मैसेज कर रही थी तो आपका व्हाट्सएप स्टेटस मैंने पढ़ा और वो इट्स गॉन फ्रॉम मूरू विल मैरी फॉर लव टू मूरू मैरिड फॉर लव। हाँ, इसका क्या मतलब है? आप ऐसा लगता है कि ये स्टेटस भी कोई कदीम ज़माने का स्टेटस है? इसका मतलब यही है कि मैंने काफ़ी देर के लिए ये एक मेरे कैफियत ऐसी थी कि जिस इंसान को भी मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता था उसके साथ मिलते साथ ही मैं ये इजहार कर देता था कि यार प्यार होगा तो शादी होगी, और फिर प्यार हो गया और शादी हो गई। तो मैंने कहा ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए जस्ट इन केस बीवी देख ले बाद में कि ये कौन सा स्टेटस रखा हुआ है। व्हाट्सएप का स्टेटस कोई नहीं देखता। हाँ, लेकिन मैंने देखा cuz you changed it ना from will marry to married for love। I was like अपडेट हो जाना चाहिए। मेरा जो स्टेटस है वो है एट द मूवीज। एट द मूवीज जो कस्टम स्टेटस है। हां वो इट्स नॉट अ डिफॉल्ट प्रीसेट स्टेटस आपने सेलेक्ट कर दिया। मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो आपकी शादी की वीडियो मैंने देखी मुरू, इट वाज सो ब्यूटीफुल। इट वाज सो ब्यूटीफुल और लोगों ने बहुत पसंद की, और उसमें ईरज का भी कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल था। तो ईरज आपकी हेल्प करती हैं आपके काम में भी? कभी कभार करती हैं। मैं उनको तंग ज़रूर करता हूँ हर प्रोजेक्ट में। तकरीबन मैं उनको कहता हूँ कि यार कुछ ना कुछ, या वॉइस ओवर कर दें, या ये वैक्यूम क्लीनर रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी आवाज़ मुझे एक चाहिए थोड़ी रोबोटिक सी, लेकिन औरत की होनी चाहिए क्योंकि वो सफाई वाली भी है और वो वैक्यूम क्लीनर रोबोट भी है, तो औरत की आवाज़ बेहतर रहेगी। तो समटाइम्स वो मुझे नवाजती हैं आवाज़ से, कभी कभार नहीं, मोस्टली वो ना करती, नहीं मैं बिजी हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ। अच्छा। बट शादी की वीडियो नैरेटिव है, उसमें मैंने जब एडिट करना शुरू की तो मुझे लगा कि वो खाली मेरा ही नुक्ता नज़र आ रहा है उसमें, तो मैंने कहा इसकी दूसरी तरफ भी तो है ना कहानी की, तो उनने अपनी कहानी फिर खुद लिखी और फिर हाँ उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी है ना, तो उसके अंदर पूरा यही है कि मैं एक तरफ से कहानी सुना रहा हूँ और वो एक एंगल से आप सब्जेक्टिवली देख रहे हो और दूसरी तरफ उनकी सब्जेक्टिव साइड से वही एक इंसिडेंट किसी और नौयत में नजर आ। बिल्कुल। तो हाँ, ये कोलैबोरेशन एक आई थिंक अच्छी गई थी, और मेरे लिए कि शादी की वीडियोस मैंने देखी हुई हैं बहुत सी, स्टोरी टेलिंग करना चाह रहा था। वाज रियली इट्स रियली स्टूड आउट। हाँ, थैंक यू। आपने मुझे वैसे, मैं चाह रही थी कि आप मेरी भी बना लेते, लेकिन आपने कहा कि फिर सबकी बनानी पड़ जाएगी। नहीं, मैंने एक बनाई थी और आप अगर कभी कहती तो हम जरूर बनाते, लेकिन अब तो अपॉर्चुनिटी चली। इट्स लाइक क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। वेयर डिड यू मीट ईरज? मैं ईरज को मिला था अपनी ही एक म्यूज़िक वीडियो पे, जो मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने बनाई था गाना, उसका नाम था मरियम। जी, मुझे आपने बताया था। तो उस देखे एक ब्रेकअप से दूसरी चीज़ किस तरह निकलती है, तो हर बुरी चीज़ का कोई अच्छा अंजाम निकल ही आता है। तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी। इट्स अ म्यूज़िक वीडियो जिस पे लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी 2 नॉमिनेट हुए थे शायद। अच्छा। और एक मिला भी था। तो इज द फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो बाय सलमान नूरानी। ओके। डायरेक्टर हैं और उनने ईरज को पकड़ा, और उनको भी ईरज से बड़ा डर लगता था जिस तरह मुझे लगता है उनसे डर। अच्छा। उन्होंने कहा ये मुझे ना कर। आपको कि मुझे नहीं लगता कि आपको ईरज से डर लगता है? कभी कभी लगता है। अच्छा। काफ़ी खुद मुख्तार खातून है वो। बिल्कुल। तो उनको बॉस अराउंड नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। तो मुरू, आपका जो कंटेंट है यूट्यूब पे मैं फॉलो भी करती हूँ, हम क्रिएटिव कोलैबोरेटर्स भी हैं। बिल्कुल। तो आप इवोल्यूशन की बात करते हैं, आपने एजुकेशन की बात की है, और मुझे लगता है कि आप एक अपनी तरफ से एक एजुकेशन इम्पार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप व्हाट इज़ द मकसद क्या है इन वीडियोज़ का? अब मकसद तो ये कि एक तो मैंने खुद बहुत अब्जॉर्ब की है और मुझे दिलचस्पी है इन मौजूदात पे, तो मैं खुद जाके देखता रहता हूँ। गांधी साहब को भी बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा साइंटिस्ट को भी सुनता आया हूँ पूरी ज़िंदगी।
तो वो तो एक लादीनी पस मंज़र में बयान करते हैं अपना नुक्ता नज़र। अब मैं अपना नुक्ता नज़र जब खुद ही, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ ना मेरे दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में क्या मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में, और ज़्यादातर वो आपको इल्म से ही जवाब मिल रहा होता है या आपको दीन से भी जवाब मिल जाता है। तो वो अब वो दोनों चीज़ों को मेरे लिए उनको सिंथेसाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो क्योंकि मैं खुद इस तरह का कंटेंट अब्जॉर्ब करता हूँ, और ये मेरे लिए यही एक जर्नी रही है कंटेंट मेकिंग में, जिस तरह की चीज़ें मैं खुद देखता आया हूँ वो थोड़ी देर बबल होती हैं, 5-10 साल बाद उसी तरह की चीज़ें मैं बनाना भी शुरू कर देता हूँ। अच्छा। तो इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन जो आती है कंटेंट से, तो एक तो ये था, लेकिन उसके अलावा जो मेन इम्पेटस मेरी ज़िंदगी में आया था इसका, कि एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसके अंदर मैं एक नेचर का, कुदरत का एक निज़ाम बयान कर रहा था कि वहाँ पे कोई अखलाकियात नहीं होती। अच्छा। कीड़े मकौड़ों की कोई अखलाकियात नहीं होते, अगर आप मेटिंग रिचुअल्स भी देखें कुछ एनिमल्स के, तो मैं उनकी बात कर रहा था और लोग ऑफेंड हो गए उस बात पे। तो मैंने कहा यार इनको बुनियादी तालीम की ज़रूरत है, कि ये मेरी किसी, मैं अगर इधर की बात कर रहा हूँ और उनको इधर के बेसिक्स नहीं पता तो वो ऑफेंड हो रहे हैं सीधा। पर आपने फिर सॉरी भी कह दिया था, क्योंकि नहीं कहा मैंने सॉरी, नहीं कहा, कभी भी नहीं कहूँगा सॉरी। नहीं लेकिन आपने कहा नहीं था, कुछ काफी छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज हुई थी, आई एम नॉट श्योर व्हिच वन यू आर टॉकिंग। मेरी एक स्पाइडर की कंट्रोवर्सी थी, तो मैं रास्ते में था, नथिया गली जा रहा था, और नथिया गली के रास्ते में मैंने एक प्रेइंग मैंटिस का मेटिंग रिचुअल देखा था, जिसके अंदर होता क्या है कि मर्द मर जाता है कॉपुलेशन के प्रोसेस में, क्योंकि औरत खा जाती है उसे। तो मैं कह रहा था यार ये अब साथ मेरे फॉरेस्ट भी गुजर रहे हैं और मुझे वहाँ पे भेड़िए चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि ये नेचर के अंदर, अगर आप सीधा नेचर में जाएं तो वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी भी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे इन्फेंटिसाइड भी एग्जिस्ट करता है, और अब ये बातें हो रही हैं ना नेट जियो पर्सपेक्टिव से बातें हो रही हैं। अच्छा। कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉरेस्ट में किस तरह की होती है, क्या अखलाकियात होते हैं, कोई रूल्स नहीं होते, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है सीधा। तो वो मैं देखता हुआ जा रहा हूँ और ऊपर जाके मुझे एक स्पाइडर मिला, तो स्पाइडर मेरे से उसी पर्सपेक्टिव से बातें कर रहा था। अच्छा। तो मैं उसको धमकियां दे रहा हूँ, मुझे धमकियां दे रहा है। अब इन धमकियों में, क्योंकि अगर आपने मफहूम पहले समझ लिया हो कि मैं क्या बात करता आ रहा हूँ, मैंने कुछ बातें ऐसी की थी जिस पे लोग ऑफेंड हो गए थे, लेकिन मैं एक नुक्ता वाजे करने की कोशिश कर उसकी बात उस पे। तो आपने कहा ना कि आई एम नॉट अगेंस्ट, आई मीन आपने कहा कि लोगों को जैसी जिंदगी जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए और वैसी जिंदगी बसर करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब आपसे पिछली दफा बात की आपके शो पे, तो आपने कहा कि आपकी अपनी भी बहुत इवोल्यूशन हुई है। जब आप एचएसएन कॉलेज में थे उस वक्त आपकी कुछ नुक्ता नज़र आप रखते थे, उसके बाद 10 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपने भी इवॉल्व किया है। बिल्कुल। तो आपकी इवोल्यूशन किस तरफ गई है मोलू? मेरी आई थिंक मगरबी मीडिया से ना इवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई, लेकिन मैं एक ऑल बॉय स्कूल में जब पैदा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हम जिंस परस्ती के खिलाफ एक एक नैरेटिव वहाँ पे प्रमोट किया जाता है, और मर्दानगी का एक एक दकियानूसी कॉन्सेप्ट आपके अंदर डाला जाता है, व्यू किया जाता है। अब वो उस चीज़ की इर्तका हुई है आहिस्ता आहिस्ता, कि क्या हम वही कदीम ज़माने के शिकारी के शिकारियों के ज़माने में हम वही मर्दानगी की एक जो डेफिनेशन लेके आ रहे हैं अपने साथ, क्या वही मर्दानगी होती है? तो ये चीज़ मेरे सवाल भी उठा है, और मैं बाहर जब पढ़ा हूँ मेरी आँखें भी खुली हैं, मैंने फ़र्क फ़र्क सोसाइटीज़ देखी हैं। बिल्कुल। तो उसका तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और ये चीज़ें लीगल भी हो गई है ना हर जगह। मतलब आप यूएस में देख लें, यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को देख लें जो रन कर रहे थे, कि पूरा उधर तो सब कुछ बहुत चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज हो गया। एलजीबीटी मूवमेंट भी आ गई है, और एक्सेप्टेंस भी आ गई है। तो बर्दाश्त का मादा जो है ना, वो मेरे ख्याल से आप जब ऑल बॉय स्कूल में होते हो ना, तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें हमने विटनेस की, और प्लस वो ज़माना भी ऐसा था कि तब कोई हमारे पे, अब तो अगर आप इस तरह की बात इंटरनेट पे करें ना, तो आपको वहाँ पे कोई इस्लाह करने आ जाएगा, और कम से कम आपको दूसरा नुक्ता नज़र आएगा। लेकिन आप एक मोनोकल्चर में एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ पे, और उस कल्चर के अंदर एक ही किस्म का नैरेटिव है, वही बार बार हर जिसको हम कभी कभी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। मुरु, आपने हमारे माशरे की बात की और कहा कि थोड़ा तंग आपको नज़र आता है। ये सवाल मैं बहुत लोगों से करती हूँ और ख़ुद भी बहुत सोचती हूँ इस चीज़ के बारे में। आपको क्या लगता है हमारे माशरे में हम लोग क्यों इतनी घुटन क्यों हैं, और हम क्यों प्रोग्रेस करने से इतना घबराते हैं? मेरे ख्याल से इल्म की कमी है और पावर्टी भी है, तो मतलब कि दोनों चीज़ें मिला के एक इंसान एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है। अभी मोटरवे इंसिडेंट जिस तरह हुआ था, उसके अंदर मैं ये सोच रहा था कि ये कौन सा मर्द है और इसका क्या नुक्ता नज़र होगा, और किस तरह की कैफियत होगी इस इंसान में कि ये इस तरह की बिल्कुल ही मतलब कि एक अलमनाक वाकया है ना, ये एक ट्रेजेडी है जो जिस इंसान ने इसके अंदर हिस्सा लिया है उसकी क्या जहनी कैफियत थी।
और वो मुझे तो यही समझ आ सकती है कि उसके ज़िंदगी में पावर्टी होगी और बिल्कुल ही लाइलमी का वो शिकार है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें इसीलिए वायलेंस भी ना, आई थिंक वायलेंस इज़ अ ह्यूज, मतलब माशरे में वायलेंस सिर्फ फिजिकल तो नहीं होती, साइकोलॉजिकल वायलेंस भी एक किस्म की होती है, और डीह्यूमनाइज करना किसी को, किसी एक इंसान को जो फ़र्क तबके से है उसको इस तरह देखना जैसे कि वो इंसान ही नहीं है, और अपनी हमदर्दी जो है वो खाली अपने ही ग्रोह के अंदर रखना, और वो चीज़ें जो है वो इसीलिए क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो ग्लोबल नहीं बन रहा और हम इल्म नहीं शायद हासिल कर रहे। अगर हम दूसरे इल्म का क्या होता है, अगर आप इल्म हासिल करते हो आपको पता चलता है ओ क्रिश्चियनिटी की ये बिलीफ है, अच्छा जूज़ ये बिलीव करते हैं, इस्लाम में ये बिलीव किया जाता है, तो आप कम अज़ कम समझने की कोशिश करते हैं दूसरे क्या बिलीव कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, और वो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जब नहीं आपकी डेवलप हो रही तो फिर आप किसी अभी एक बिस्किट का ऐड था, आपने शायद इस बारे में ट्वीट भी किया, टिकटॉक के बारे में आपने ट्वीट किया कि ये क्यों बैन हो गई, अब खैर रीइंस्टेट हो गई है, बट उस बिस्किट के ऐड में कुछ भी नहीं था मुरू, इट वाज शी वाज जस्ट डांसिंग यार, और मतलब बैन कर दिया, और ये मुसलसल मुझे नज़र आ रहा है कि एक सेंसरशिप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यू नो आई मीन आई सी इट बिकॉज हम दोनों एक फील्ड में हैं और मुझे भी नज़र आता है, तो बंदा आप कभी कभी मायूस होकर सोचते हैं कि बस यार छोड़ दो, हाँ मुल्क छोड़ दो, मुल्क मतलब काम ही छोड़ दो, काम तो नहीं मैं छोड़ सकता वो तो मेरे ख्याल से माली हालात बहुत बुरे हो जाएंगे अगर मैंने काम छोड़ दिया, लेकिन आई थिंक वो दैट कीप्स मी ड्राइविंग, बट बैनिंग कल्चर के तो डेफिनेटली मैं खिलाफ हूँ कि हर चीज़ जो है उसको समझे सोचे समझे बगैर और उसके रिपरकशंस जाने बगैर, एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ उसके ऊपर क्या नैरेटिव, वो लोग नैरेटिव डालते हैं, एक चीज़ ने उसने आपको पावर दी है, टिकटॉक एक गरीब तबके को अपना नैरेटिव बायर पुट करने का की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो लोग जिनके पास पहले आवाज़ थी नहीं उनके पास अब एक आवाज़ आ गई है, तो ये तो जमहूरी अमल है मेरे ख्याल से, बिल्कुल तो। और नजरियाती इख्तलाफात भी एक जमहूरी अमल है, हाँ है ना, हाँ और इख्तलाफ करने में और उसने इख्तलाफ यही होगा ना कि आप मुखालिफत की जगह इख्तलाफ करना सीखें भी कम अज़ कम, आप बैठे हुए एक दूसरे के साथ मेरी नकसीर ना पूटे मेरी चाय ना गर्म हो, मैं आपसे फिर भी आपसे अगर किसी बात पे इख्तलाफ है बात करता रहूँ और कम अज़ कम कोशिश करूँ कि आप मेरी बात मान लें और आप कोशिश करें मैं आपकी बात मान लूँ, और ये ना हो कि मुसल्लत कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपनी राय, तो ये मेरे ख्याल से हमारे पे बहुत हमारा ये इनटॉलरेंस है ना बर्दाश्त का मादा जो ख़त्म हो रहा है, दूसरी राय को सुनना ही नहीं बंद कर दो, बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि YouTube अगर टीवी से कंपेयर किया जाए तो आपको लगता है कि टॉलरेंस, क्योंकि YouTube एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपको लगता है कि इधर ज़्यादा एक तरह से बर्दाश्त है कि आप ज़्यादा बोल सकते हैं लाइक हम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल है ऐसी कि हम, क्योंकि एक तो यह ना टीवी कि आपके घर के अंदर आ रहा है और हमेशा से ऐसा लगा है कि आप अपनी आपकी अपनी डिसीजन नहीं है टीवी लगाना, आप टीवी ऑन करो कोई चीज़ चल रही है, यूट्यूब के ऊपर 3-4 क्लिक्स होते हैं उसके बाद आप एक जगह पहुंचते हैं, तो वो आप खुद फैसला अपना वोट करके पहुंच रहे होते हैं वहाँ पे, अब कोई चीज़ अगर आपको ऑफेंड कर रही है जिधर तक आप पहुंच गए तो फिर वो आपकी अपनी जिम्मेदारी थी उधर तक ना जाना, तो कम अज़ कम ये एक है कि उससे महसूस होता है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा देर शायद ये लास्ट नहीं करेगी क्योंकि अथॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को रेगुलेट करने आ रहे हैं, अभी टिकटॉक का भी यही हुआ है कि चाइनीज़ जो कंपनी है जो टिकटॉक बनाती है उसका हुकूमत पंजाब के साथ ये समझौता हुआ है कि जो आप चाहेंगे कॉन्टेंट आपको नहीं पसंद हम उतरवा देंगे, तो एक तरह से स्टेप फॉरवर्ड भी है कि वो कंपनीज एक दूसरे से बातें कर रही हैं और समझौता हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक कंट्रोल आ रहा है नैरेटिव का, तो पता नहीं मेरे तो ऐसे ही कंटेंट है, मुझे लगता है कई दफ़ा कि जब आएगी अथॉरिटी तो शायद उतार ही दे, बट आपका कंटेंट काफ़ी आउट देयर है, हाँ है, इट्स ब्रेव आई मीन अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं, तो जल्दी जल्दी ये मेरी यासरा रिजवी से भी बात हो रही थी कि जल्दी जल्दी जो निकाल सकते हो जल्दी से निकाल दो क्योंकि ये फिर बात कर देंगे इसको भी, तो आप जो मुझे पता है कि आप एक मूवी लिख रहे हैं तो मुझे अगर आप बात ना करना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन आपको ये इंस्पिरेशन कैसे आई, क्योंकि यू नो मूवी इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट और एक स्क्रिप्ट लिखना, मतलब हम अपनी स्केचेज लिखते हैं और हमें एक दिन लग जाता है मोडू 2 मिनट की स्केच लिखने में, याद है ऑलिव जार जब हमने लिखा था हमें बिल्कुल तकरीबन पूरा दिन लग गया था और ऐसे ही होता है, लेकिन अब आप एक फीचर कर रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज अंडरटेकिंग, तो बताएं ज़रा आपके क्या की क्या फीलिंग्स हैं और अगर थोड़ा शेयर कर सकते हैं तो करें, मतलब कि मैं बहुत सी साइंस पॉडकास्ट सुनता हूं और उनमें से एक पॉडकास्ट की एक कहानी थी जो मुझे लगा कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में इसे दिखाना अच्छा लगेगा, तो इतना ही मैं बोलूँगा, अच्छा इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो प्लॉट भी गिव अवे हो जाएगा और रुइन हो जाएगी, और अभी मेरे लिए खुद भी वो डिवेलप हो रही है,
तो मैं चाहता नहीं कि वो कहीं रिकॉर्ड हो जाए कि ये प्लॉट था और एंड में बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो बट प्रोसेस के अंदर है और इंस्पायर इतनी कर रही है, कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि कॉन्स्टेंटली जब मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है बहुत कुछ है लिखने के लिए मेरे पास। और खाली सफ़े को जब आप, क्योंकि आप खुद भी मुसन्निफ हैं, आप पता ही होगा खाली सफ़े को देख रहे हो और कुछ लिखने को ना होना तो वो फीलिंग बहुत घबराहट होती है, लरज पड़ता है इंसान। तो अब मैं देख रहा हूँ खाली सफ़े को और वो भरी जा रहे हैं। अच्छा, हाँ वो खुद ही भर रहे हैं। वाह, तो बहुत कुछ है कहने को, तो अच्छा लग रहा है इस स्टेट में होने। आप एक म्यूजिशियन भी हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप एक्टर भी हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कि आप सीक्रेटली कौन सी आइडेंटिटी के साथ सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं? मैं अपने आप को एक तरह से पोस्ट कर रहा हूँ राइटर के साथ आइडेंटिफाई करना। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर काम के अंदर सबसे पहले जो है वो आपका पैगाम आता है जी, और वो पैगाम लिखाई के अंदर आप फिगर आउट करते हैं। तो क्या पैगाम आगे पहुंचाया जा रहा है, तो एक्टिंग के अंदर भी क्या अल्फाज हैं जो उसके मुंह से निकल रहे हैं, तो सारी चीज़ों को प्रेसिडेंट जो है ना वो राइटिंग ही है। ओके, बिकॉज मुझे याद है कि यू लाइक आई लव, मैं म्यूजिशियन हूँ लेकिन लोग मुझे यूट्यूबर कहते हैं, मुझे आपसे मेरी ये बात हुई थी, तो अब वो म्यूजिकल साइड थोड़ी आपको लगता है कि वो है, इट विल स्टे विद यू, बट आप राइटिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, मैं यही देख रहा था कि क्या एक चीज़ है, अभी रिसेंटली ही मेरे दिमाग में आया कि क्या एक चीज़ है जो सारी चीज़ों के थ्रू कट करती है। एक थ्रू लाइन तो यही है कि म्यूजिक के लिए भी लिखना पड़ता है, लिरिक्स लिखने पड़ते हैं। बट मुरू, आई हैव रिटन अ बुक व्हिच विल बी आउट इन 4-5 मंथ्स, तो मुझे, थैंक यू, बट मुझे काफ़ी आई एम स्केयर्ड बिकॉज हम लोग जो राइटर्स हैं हम नेटफ्लिक्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं, यू नो, और नेटफ्लिक्स की जो स्पीड है और जो टीवी की स्पीड है स्ट्रीमिंग चैनल्स की, इट्स अ होल अदर थिंग। तो आपको क्या लगता है लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं? मतलब मुझे तो बहुत, मैं इस मामले में बहुत डिप्रेस्ड भी हूँ और आई एम वेटिंग कि आई नो कि किताब आएगी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं बदलेगी, मुझे ये लग रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इज़ देयर होप? आई मीन देर इज़ होप, बिकॉज मुझे अभी एक यूट्यूबर ही है, मेरी पॉडकास्ट पे आई थी मोमिना मुनीर, शी इज़ क्वाइट यंग, शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, तो वो उनने यूट्यूब छोड़ के किताबें पढ़ना शुरू की। अच्छा, हाँ, तो ये यंग एज में लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि किताब, आपको पता है किताब पढ़ने का जो तजर्बा है वो बिल्कुल किसी पैसिव वीडियो वॉचिंग के तजर्बे से फ़र्क है, क्योंकि आप एक्टिवली अपने दिमाग में इमेजिनेशन भी अपनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ साथ आप एक आवाज़ आपके दिमाग में उस राइटर की डेवलप हो जाती है, शायद उस एक्टर की आवाज़ कम होती है और आपके अपने क्रिएटिव प्रोसेस का एक इजहार होता है। तो आई फील लाइक, और फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव जिस तरह किताब में आप महसूस करते हैं, किसी के दिमाग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन लोग आपको तो फिल्मों में नहीं महसूस होता। दिमाग छोड़े, किताब में नहीं घुसना चाहते मुरु, मैंने ये देखा है यार। लेकिन वो रवानी एक दफ़ा जब आ जाए ना, शुरू में वो रुकावटें आती हैं क्योंकि आदत नहीं होती इस तरह लिटरेचर को अब्जॉर्ब करने की, लेकिन एक दफ़ा रवानी आ जाती है तो वो जो आवाज़ बनती है वो बड़ी पावरफुल होती है। तो आई थिंक वो पावरफुल मीडियम है, क्योंकि उसके अंदर स्टिमुलस बहुत से काट भी दिए गए ना, कि म्यूज़िक भी नहीं है उसके अंदर, विजुअल्स भी नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर खाली लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन है, ज़ुबान है खाली। अब वो ज़ुबान, लेकिन वो क्रीम वाली ज़ुबान है। क्या मतलब? कि मतलब कि वो एक पुख्त, मेरे ख्याल से ज़ुबान का जो इजहार है ना वो आपको लिटरेचर में मिलता है, आपको फिल्मों में नहीं मिलता इतना। फिल्मों में क्योंकि 10 एक और चीज़ें आपको एंगेज कर रही होती हैं, आँखों से भी कुछ चीज़ आ रही होती, तो लैंग्वेज के थ्रू सब कुछ कम्युनिकेट नहीं होता। हाँ, तो वो चीज़ आई थिंक कहीं नहीं जा सकती। ये एक और बात है कि हाँ, उसके लिए एक थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत होती है जो दूसरे मीडियम्स के लिए नहीं है, तो इसलिए वो मैस मीडियम हो जाएगा और ये ज़रा थोड़ा छोटा मीडियम, ये नीश हो जाएगा, थोड़ा नीश हो जाएगा। हैव यू, पता नहीं अब सर्वे में क्या कह रहे हैं कि लोग कम हो गए पढ़ने वाले या ज़्यादा हो गए? यार अभी कोविड के दौरान तो किताबों की सेल्स हुई हैं क्योंकि लोग घर बैठे हुए थे तो उन्होंने पढ़ी हैं किताबें। अब वेस्ट में ये हुआ है, मुझे नहीं पता कि हमारे हमारी सोसाइटी में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, मैंने नहीं देखी। तो मेरे ख्याल से चढ़ती रहेंगी। मैं आजकल ऑडियो बुक्स बहुत सुनता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये दिस इज़ अ रिएक्शन टू सोशल मीडिया, लाइक अगेंस्ट सोशल मीडिया में भी? किस चीज़ का रिएक्शन? ये गोइंग टू ज़रा स्लो लाइफ की तरफ जाने का, बिकॉज किताबें एक स्लोनेस की तरफ आपको लेके जाती हैं। तो मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मुझे एक थोड़ी सी ना वो होती है कि यार दिन में अब मैंने कोई 10 दफ़ा खोल चुकी हूँ इंस्टाग्राम, इसकी क्या ज़रूरत थी, उससे एंग्जाइटी बढ़ती है। तो मैंने फेसबुक डिलीट कर दिया, बाय द वे मैं फेसबुक से गायब हो गई हूँ, हालांकि ज़ाहिर मेरी जो फैमिली में बड़े बड़े लोग हैं लाइक द ओल्डर जनरेशन, वो सारे फेसबुक पे ही हैं। मैं चली गई हूँ बिकॉज अब ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम के दरमियान आई वॉज लाइक दिस इज़ टेकिंग अप टू मच ऑफ माई टाइम।
तो मुझे लगता है कि एक हद तक शायद लोग एक स्लोनेस की तरफ वापस भी आ रहे हैं एज अ रिएक्शन टू द एंग्जाइटी एंड द फास्ट पेस्ड लाइफ ऑफ सोशल मीडिया. मतलब कि बहुत नुकसानदेह चीज़ है सोशल मीडिया. अभी एक सोशल डिलेमा एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है नेटफ्लिक्स पर, ज़बरदस्त है. उसके अंदर यही दिखाया जा रहा है कि जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपको उस तरह की चीज़ दिखाएंगे जिससे आप उस जगह पर रहें, और अब वो चीज़ें ज़्यादातर जिन चीज़ों से आप जज्बाती तौर पर रिएक्ट करते हैं, ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में वो कोई वैल्यू ला रही है, और वो चीज़ें गुजर रही होती हैं तो आपके अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है. तो गौर व फिक्र से किसी चीज़ को समझना वो मेरे ख्याल से किताबों से ही ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि आपको खुद ही स्लो डाउन भी करना पड़ता है और आपकी स्टेज ऑफ थिंकिंग भी एक और ही लेवल पे चली जाती है. सही. तो इट इज़ नुकसानदेह. मैं खुद भी सोशल मीडिया से ऑन ऑफ होता रहता हूँ. अच्छा. हाँ. लेकिन आपका तो कंटेंट, आपका काम ही कंटेंट क्रिएट, काम डालता हूँ और गायब हो जाता हूँ. ट्राई नॉट टू ओपन इट ऑल द टाइम. अब वो जब से मैंने सोशल डिलेमा मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आपने कम अपना फुटप्रिंट कम कर लिया. हाँ. वो हर वक्त शेयर करना और किसी चीज़ को इनक्यूबेट ही ना करना, किसी ख्याल को बहुत आपने अच्छी प्रोफाउंड बात की है. इनक्यूबेशन इज हाफ द आर्ट. अगर इनक्यूबेट नहीं करोगे तो इतना वो सरफेस लेवल काम होगा. बिल्कुल. मतलब कि जो बात दिमाग में आई उसी वक्त बोल दी, उसके बारे में सोचा नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसको पॉलिश नहीं किया. जो आपने शुरू में कहा था कि आप कभी सॉरी नहीं कहेंगे, अगर मैंने एक शॉकिंग बात की है, आप उसे शॉक हुए हैं और आप उस शॉक को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं. ये बेटा तू की जाने में कितना प्यार करना वहाँ.